वेलकम टू टाके विदेश है दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूबरेबल एससी की भर्ती AGTA। तो AGTA OBC SC ST आरक्षण घोटाले पर एक सांसद जी हैं, उन्होंने AGTA भर्ती विज्ञापन रद्द करने की मांग की थी मुख्यमंत्री जी से, और ये विज्ञापन दोबारा जारी करने की मांग की गई थी। तो इसकी जानकारी मैं वीडियो बना के आप लोगों को दे चुका हूँ, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर जब सांसद जी ने ये आवाज़ उठाई है तो AGTA पर यूपी आयोग के जो सचिव जी हैं अवनीश सक्सेना, उन्होंने बयान दिया है। तो क्या बयान दिया है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। AGTA कृषि निदेशालय से भी बयान आया है अधिकारी लोगों का, तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और छात्र पूछ रहे थे क्या सच में AGTA का विज्ञापन रद्द हो जाएगा, तो मैंने पहले भी बताया था ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिर से बता दूंगा डिटेल में, और क्या बयान जारी किए गए हैं अधिकारियों के द्वारा पूरी जानकारी दी जाएगी इस भर्ती के मामले में। तो AGTA भर्ती की पूरी अपडेट पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर ऐसी जानकारी मिलती रहती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों ये मेरा एक वीडियो है जुलाई 8, 2024, इसमें AGTA विज्ञापन रद्द, सांसद जी ने मुख्यमंत्री से की मांग। तो बहुत सारे छात्रों AGTA का फॉर्म रिजेक्ट और भी अन्य जानकारी दी है इसमें। तो इसमें आप लोगों को पूरी जानकारी दी थी कि कौन से सांसद हैं ये और इन्होंने ये मांग क्यों उठाई है। तो इसी के संबंध में आगे जानकारी देने वाला हूँ। तो ये आवाज़ जो है एक सांसद द्वारा उठाई गई है, चुने हुए सांसद द्वारा, तो इसीलिए ये मुद्दा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, भर्ती में आरक्षण के मामले में सपा ने फिर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। तो इसके आगे की न्यूज़ अब देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर भर्तियों में OBC व SC के आरक्षण में घपले का आरोप लगाया है। तो सपा सांसद जो लालजी वर्मा हैं, और इन्होंने उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग UPSC द्वारा निकाले गए टेक्निकल असिस्टेंट के पदों की भर्ती में OBC व SC को कम आरक्षण देने का आरोप लगाया है। सपा ने प्रदेश सरकार से इस विज्ञापन को निरस्त कर नए सिरे से भर्ती करने की मांग की है। तो सपा सांसद लालजी वर्मा ने इससे पहले लखनऊ के SGPGI की भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया था। इसके बाद NDA में शामिल अपना दल SAS व केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर साक्षात्कार के जरिए भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की गड़बड़ी की बात कही थी। हालांकि सरकार ने अनुप्रिया के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। अब सपा सांसद जो हैं लालजी वर्मा ने एक्स पर, मतलब ट्विटर पर, लिखा है कि UPSC द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए कुल 3446 पदों पर विज्ञापन निकाला गया। तो इसमें OBC को मिलने वाले संवैधानिक आरक्षण 27% के हिसाब से 930 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन केवल 629 सीटें प्रदान की गई हैं। तो वहीं SC वर्ग को 21% आरक्षण के हिसाब से 723 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन केवल 509 सीटें ही दी गई हैं। अब चूँकि ये सांसद जी हैं तो इन्होंने ये बयान जारी किया है और एक्स पे आवाज़ उठाई है। तो अब पहली बात तो ये है, जो भी सांसद या जो भी नेता जनता की आवाज़ उठाता है उसके लिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, मतलब सरकार का हो या विपक्ष का हो, जो भी जनता की आवाज़ उठाता है उसके लिए रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि सही तरीके से आवाज़ सही वे में उठानी चाहिए, ठीक है। तो इस पर अब ये भी देख लीजिए कि UPSC के जो सचिव जी हैं उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है, हम लोग तो भर्ती एजेंसी हैं, पदों को घटाने बढ़ाने का अधिकार हमारे पास नहीं होता है। विभाग से जो अधियाचन आता है उसी के अनुसार भर्तियां करा दी जाती हैं। तो जहां तक आरक्षण की बात है तो यह कैडर के कुल स्वीकृत पदों पर लगता है। तो यहां पे देखिए, ये अवनीश सक्सेना सचिव UPSC जो हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि जो भी अधियाचन आता है निदेशालय से, कृषि निदेशालय से जो भी अधियाचन आया है तो उसी के आधार पर विज्ञापन निकाला जाता है। तो जो सीटें हैं वो घटाना बढ़ाना सचिव जी के हाथ में नहीं है, मतलब UPSC आयोग के हाथ में नहीं है। तो जो भी कृषि निदेशालय से जैसा भी अध्याचन बन के आता है वैसा ही विज्ञापन निकाला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आ गई कृषि निदेशालय के ऊपर। तो अब कृषि निदेशालय का क्या कहना है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर देख लीजिए क्या बयान आया है। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कृषि निदेशालय की तरफ से बोला गया है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आरक्षण श्रेणी वार कुल उपलब्ध कर्मियों की संख्या को गणना में शामिल करके निकाला जाता है, ना कि केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार। तो भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरक्षण कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष तय मानकों के अनुकूल ही होगा।
तो ये बयान आया है बीके सिसोदिया जो अपर निदेशक कृषि हैं, कृषि निदेशालय के, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी हो गई यहाँ पे। तो इन्होंने क्या कहा है मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए जो विभाग है वहाँ पे जो AGTA के जो कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं तो वो या तो उनका प्रमोशन होता है या फिर वो रिटायर हो जाते हैं या फिर जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह से जो भी सीटें खाली हो जाती हैं जिस भी वर्ग में जैसे OBC में जितनी सीटें खाली हैं उतनी ही तो वैकेंसी निकाली जाएगी और SC ST में जितनी सीटें खाली हैं उतनी ही वैकेंसी निकाली जाएगी। तो विभाग में जितनी भी कुल सीटें हैं उनका 27% आरक्षण दिया जाता है, ना कि जो रिक्त पदों पे विज्ञापन निकाला जा रहा है उन पे 27% आरक्षण नहीं दिया जाता है, ये कहना है आयोग का, ठीक है। तो वहाँ से कहने का मतलब जो विभाग में जितनी सीटें खाली हैं उतनी ही वर्ग की उतनी ही सीटें आएंगी, जैसे OBC में जितनी सीटें खाली हैं या SC ST में जितनी सीटें खाली हैं तो उसी के हिसाब से जो है विज्ञापन में रिक्त पद दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ पे आरक्षण की बात। इसके अलावा आप लोगों को बता दें इस पे कोर्ट केस भी हो चुका है इसी चीज़ को लेके। तो कोर्ट में जब केस हुआ था तो छात्रों ने मेहनत की थी और सीटें बनवाने की यही सब मुद्दे अपने रखे थे कोर्ट के समक्ष, तो कोर्ट ने जो केस है वो डिस्पोज कर दिया था जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। तो यहाँ पे मैं आपको ये जानकारी दे चुका हूँ कि भर्ती विज्ञापन रद्द करने की मांग पर UPSC के आयोग सचिव जी ने क्या बयान दिया है और कृषि निदेशालय से क्या बयान आया है, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत से छात्र कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि क्या सच में AGTA विज्ञापन रद्द होगा। तो मैंने आप लोगों को जब ये वीडियो बनाया था आप लोगों को जानकारी दी थी तो मैंने आप लोगों को तब ही बता दिया था साफ साफ कि ये AGTA का विज्ञापन जो है रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि ये मैटर कोर्ट तक जा चुका है, ठीक है। ये मैटर कोर्ट तक जा चुका है और कोर्ट से ही सॉल्व हो चुका है। तो अब सांसद जी भी आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि नए सांसद जी चुन के आए हैं, लेकिन इस पर कृषि निदेशालय और आयोग UPSC आयोग के सचिव जी का क्या कहना है ये भी मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ। तो ये जो विज्ञापन है किसी भी कीमत पे रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि वहाँ से जितनी सीटें खाली थीं विभाग में उतने ही पदों पे जो है रिक्त पदों की संख्या ये जारी की गई है विज्ञापन में, तो विज्ञापन में कोई भी कमी नहीं है और इस तरह से अगर देखा जाए तो कोई भी आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ है। तो आप लोगों को साफ साफ बताना चाहूँगा यहाँ पे ये AGTA का विज्ञापन रद्द नहीं होगा और इसी तरह से जो है वो विज्ञापन पूरा किया जाएगा इस भर्ती को, और इसी तरह से आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए और जल्द ही आप लोगों का एग्ज़ाम लगा दिया जाएगा और इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो अपडेट थी जो भी न्यूज़ निकल के आई थी मैंने आप लोगों को बता दी क्योंकि AGTA की हर छोटी बड़ी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ ये विज्ञापन रद्द नहीं किया जाएगा, इसीलिए आप लोग इधर उधर की बातों पे विश्वास ना करके अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।